उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट घोषित हो गया है। इस बार रिकॉर्ड समय पर एग्जाम हुआ और उसी हिसाब से तय समय पर रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया। समय से रिजल्ट जारी होने पर बच्चे सहित परिजनों की आंखों में खुशियां झलक रही हैं। इन तमाम मेहनत के बीच बोर्ड परीक्षा को लेकर योगी सरकार की तारीफ तो बनती है। पिछले कई सालों से समय पर रिजल्ट घोषित न होना कैंडिडेट्स के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार में बहुत हद तक इससे निपटने की कोशिश की गई। चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से कदम सरकार ने उठाए हैं जिससे समय पर एग्जाम भी हुआ और समय पर रिजल्ट भी जारी कर दिए गए। पहला, यूपी सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था नकल पर लगाम लगाना। नकल की वजह से बोर्ड और शिक्षा व्यवस्था पर अक्सर सवाल उठते रहते थे। योगी सरकार ने इस बार एग्जाम से पहले ही घोषणा कर दी थी कि नकल करने वालों और कराने वालों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की होगी और कुर्की भी हो सकती है। इस वजह से इस बार एग्जाम में नकल की वजह से ज्यादा दिक्कतें सामने नहीं आई। दूसरा है पेपर लीक। बोर्ड एग्जाम में पेपर लीक की वजह से हर साल कोई ना कोई सब्जेक्ट का एग्जाम कैंसिल करना पड़ता था, लेकिन इस बार कहीं से भी पेपर लीक का मामला सामने नहीं आया, जिससे समय पर एग्जाम भी हुआ और रिजल्ट भी आया। तीसरा, प्रश्न पत्र की सुरक्षा सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। अक्सर सुरक्षा की कमी की वजह से प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो जाता था, लेकिन इस बार डबल लेयर सुरक्षा व्यवस्था अपनाई गई और हर लॉकर के सामने सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए। चौथा, आंसर शीट की सुरक्षा। धांधली को रोकने के लिए बार बार आंसर शीट के हर पन्ने पर रोल कोड, रोल नंबर और सीरियल नंबर अंकित करना अनिवार्य कर दिया गया, जिससे आंसर शीट के बीच में कोई भी पेज निकाला या जोड़ा ना जा सके। बता दें कि लेट रिजल्ट घोषित होने की वजह से यूपी बोर्ड के स्टूडेंट का बहुत नुकसान होता था। जब तक यूपी बोर्ड का रिजल्ट आता था, तब तक तमाम ज्वाइंट एग्जाम सहित बड़े कॉलेजों में दाखिला पूरा कर लिया जाता था और यूपी के बच्चे पीछे रह जाते थे, लेकिन सरकार के इस कदम से मेधावी छात्रों को काफी फायदा मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।